नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सेट पोस्ट। आज देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती है और इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। पटना के नेक संवाद भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावा कई मंत्रियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, उन्हें याद किया है। और तमाम जो वहाँ पर उनकी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि 3 जून 1930 में जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था, और जब ये कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को लेकर बातें खूब हुई हैं, खबरें खूब आई हैं, और इसको लेकर सरकार की किरकिरी भी हुई है और सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर काम करने की बात भी कही है। मान लिया जाए कि एक तरफ अगर कोरोना था तो दूसरी तरफ कोरोना से सबसे अधिक जो परेशान हुए हैं वो हैं प्रवासी मजदूर। लेकिन एक कांड कह लीजिए, एक वाक्य कह लीजिए, उस समय का है जब जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे देश में। और मैं आज जब जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे एक जानकारी मिली, तो मैंने सोचा कि इस खबर में मैं आपको वो भी दिखाऊँ कि किस तरीके से पहले भी कोरोना काल के पहले भी जो देश में प्रवासी मजदूरों को लेकर समस्याएं थी और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस ने जो अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसके बारे में। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में भारत में आत्मनिर्भरता और इसके अलावा देशी उद्योग के संरक्षण, पलायन आदि पर अभी बहस जो चल रही है, और उसी दिशा में आज से 90 साल पहले की बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था। और समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों और उनके द्वारा लिए गए फैसले आज और ज़्यादा प्रासंगिक दिख रहे हैं। बात 1977 की करें, जब मुरारजी देसाई की सरकार में उद्योग मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने रोजगार की तलाश में मजदूरों के गांव से शहर की ओर पलायन को रोकने के लिए उस समय आपको बता दें कि डॉक्टर लोहिया और जो उनके विचार थे उनको ध्यान में रखते हुए नई उद्योग नीति घोषित की थी, और इसके अनुसार प्रवासी मजदूरों को अन्य प्रदेशों में शोषण रोकने के लिए एक कानून बनवाया था। तो ये उस समय हुआ था 1977 में, जहां कुछ नहीं था, लेकिन अभी वही कंडीशन फिलहाल नजर आ रही है। प्रवासी मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पलायन पहले बिहार से दूसरे राज्यों के लिए हो रहा था, अब दूसरे राज्यों से जो मजदूर हैं वापस बिहार आ रहे हैं, और बिहार में अब सीएम नीतीश कुमार जो हैं कह रहे हैं कि यहीं पर काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और इस बीच अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसी उद्योग नीति और जो इस तरीके से श्रम कानून था उसको थोड़े से बदलाव करने की उन्होंने भी बात कही थी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से देश में फिलहाल स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल, स्वदेशी निर्माण की बात की जा रही है, वो 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, और उस समय उन्होंने पलायन रोकने के लिए या फिर दूसरे प्रदेशों में श्रमिकों पर जो शोषण रोकने के लिए बातचीत की गई थी तो उस समय कानून उन्होंने बनवाया था, तो वो अभी ज़्यादा प्रासंगिक नजर आ रहा है। इसलिए ये जानकारी मैंने अब तक पहुँचाई, क्योंकि उस समय की स्थितियाँ और अभी की स्थितियाँ सिर्फ कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए तो बराबर हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूर सेंटर में है और उसको लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर बातचीत हो रही है। तो आज देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती है और उनके जयंती पर पटना के नेक संवाद का जो नेक संवाद भवन है वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और यहां पर सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, इसके अलावा कई मंत्रियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, उन्हें याद किया है। चंद्रशेखर आप तो चले गए थे, चंद्रशेखर जी क्या वहां पर
तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।